सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक। इस साल के सऊदी अरब के पेपर व्यू क्राउन जूल 2022 में हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेलिब्रेट वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, इनकी राइवलरी की शुरुआत की जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमें अचानक से मंडे नाइट रो के एक एपिसोड में हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलता है। ना ही ब्रॉक अपना रिटर्न करते हैं बल्कि वो अटैक भी कर देते हैं बॉबी लेस्ली पे, जिसके कारण से वो अपना US चैंपियनशिप को हार जाते हैं। उसके बाद फिर WWE अनाउंस करती है कि इस साल के क्राउन जूल 2022 में हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस दी ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बीच में ये वाला सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। हाँ, ऑफिशियल तौर पे ये वाला मैच तो एडवर्टाइज हो चुका है। और वहीं पे गाइस, इस वाले मैच के रिजल्ट की बात की जाए, यानी कि इस वाले मैच को कौन जीत सकता है, तो हो सकता है गाइस कि इस बार ऐसा हो सकता है कि मे भी ब्रॉक लेसनर जीत जाए और वो हरा दे बॉबी लेस्ली को। क्योंकि आपको पता होगा कि जब इन दोनों का मैच होता है रॉयल रंबल 2022 में WWE चैंपियनशिप के लिए, तो इस वाले मैच को बॉबी लेस्ली जीतते हैं क्योंकि रोमन रेंज आके इन्वेट कर देते हैं, रोमन रेंज आके स्पेयर मारते हैं आउट ऑफ नोवेयर और किसी को नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर को। और ब्रॉक लेसनर के कारण मतलब बॉबी लेस्ली चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं और ब्रॉक लेसनर उस वाले मैच को हार जाते हैं। तो हो सकता है गाइस कि इस बार फिर से दोबारा WWE तो बॉबी लेस्ली को आगे तो पुश नहीं करेगी। तो हो सकता है गाइस कि जो इस साल के सऊदी अरेबिया में हमें क्राउन जूल 2022 में जो हमें इंडियन टाइमिंग से 6 नवंबर 2022 को देखने को मिलने वाला है, वहां पे बीस्ट इनकार्नेट का बॉबी लेस्ली नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली के मैच को, हो सकता है कि और कोई नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं और बॉबी लेस्ली इस वाले मैच को हार सकते हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं गाइस कि इस वाले मैच का क्या रिजल्ट होता है। लेकिन हाँ, अभी के लिए इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं। और देखना होगा गाइस कि इस मैच का हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाय बाय फ्रेंड्स।